आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसका आपको आंसर्स लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत का दक्षिणी छोर का क्या नाम है। तीसरा है विच टाइप ऑफ माउंटेन्स बाउंडेड इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उसके बाद फोर नंबर है नेम 24 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्यों से गुजरता है। पाँचवा है स्विस कनाल कब खुला था। छठा है नेम द कंट्रीज सेपरेटेड बाई पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों को अलग करता है। सातवां है विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 2 जून 2014, मतलब 2 जून 2014 को कौन सी घटना हुई थी। आठवां नंबर है विच स्टेट्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम ए न्यू स्टेट ऑफ टू फॉर्म ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया इन 2014, 2014 में कौन से स्टेट्स को अलग किया गया था नया राज्य बनाने के लिए। नौवां क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा देश शामिल है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना है। पहला है 1869 में जब स्विस कनाल खुला था तो भारत का जो दूरी है यूरोप से वो कम हो गया था, 7000 किलोमीटर कम हो गया था। उसके बाद है तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना भारत का 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जब संगठन हुआ उसके बाद लैटिट्यूड क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंट है पृथ्वी की सतह पे किसी भी पॉइंट का जो हम इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ मापते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का पृथ्वी की सतह पे जो ईस्ट और वेस्ट प्लेन के ईस्ट और वेस्ट से नापते हैं, जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है जो लंदन में है, इंग्लैंड में लंदन में है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे भारत का वो 30 डिग्री दोनों साइड से है, मतलब नॉर्थ से साउथ तक अगर हम जाएंगे तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस होता है, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो भी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं।